back. So from this lecture we are going to start series of software engineering. In this particular lecture we will understand the evolving role of software. We will understand what is software and how it is different from hardware, and we will also form a basic definition of software engineering at the end. Let us start our lecture by discussing the evolving role of software. So software has a dual role. Dual role matlab software ke do role hain, as a product and software as a vehicle. As a product जो हम यूज़ करते हैं, एंड सॉफ्टवेयर एज अ व्हीकल जो उस प्रोडक्ट को हमारे तक डिलीवर कराता है. ठीक है, सो व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर एज अ प्रोडक्ट? सॉफ्टवेयर एज अ प्रोडक्ट इज़ से फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप. व्हाट्सएप इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट इज़ रिटन लाइन ऑफ कोर्स दैट विल एग्जीक्यूट एंड गिव यू सर्टेन डेटा, सर्टेन इंफॉर्मेशन जो जिस चीज़ के लिए भी वो डिज़ाइन है. तो दिस व्हाट्सएप इज़ अ प्रोडक्ट, बट क्या उस व्हाट्सएप को मैं डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकती हूँ? सो द आंसर इज़ नो. वो व्हाट्सएप मुझ तक पहुंचाता कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सॉफ्टवेयर है, यानी उसमें भी कुछ लाइन ऑफ कोड्स लिखे हैं, वो भी कोई एक्शन परफॉर्म करता है. बट ऑपरेटिंग सिस्टम एक व्हीकल की तरह से एक्ट करता है, वो आपके पास अलग अलग प्रोडक्ट्स को पहुँचाता है. यानी उस व्हाट्सएप को आप तक पहुँचाने के लिए आपने जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया दैट इज़ योर ऑपरेटिंग सिस्टम. तो इधर हमने दो तरह से समझा, सॉफ्टवेयर एक प्रोडक्ट की तरह भी काम करता है और सॉफ्टवेयर एक व्हीकल की तरह भी काम करता है जो प्रोडक्ट्स को आप तक पहुंचाता है. इसी सॉफ्टवेयर को अगर मुझे डिफ़ाइन करना हो तो मैं कैसे डिफ़ाइन कर सकती हूँ? सिंपलेस्ट लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर को डिफ़ाइन करने के लिए हम तीन टर्म्स यूज़ करते हैं, इंस्ट्रक्शन, डेटा स्ट्रक्चर एंड डॉक्यूमेंट. व्हाट आर इंस्ट्रक्शंस? इंस्ट्रक्शंस बट नथिंग आर नथिंग बट सिंपल लाइन ऑफ कोड्स जिनको हम एग्जीक्यूट करते हैं और कोई रिजल्ट हमें मिलता है. ठीक है, फंक्शंस हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, डिज़ायर्ड फीचर्स हैं, ये सब मिला के आपके इंस्ट्रक्शंस बनाते हैं. दिस इज़ ओनली अ सॉफ्टवेयर. बट क्या ये सफिशिएंट है? सो द आंसर इज़ नो, इट इज़ नॉट सफिशिएंट. ये कुछ डेटा क्रिएट करेंगे, ये कुछ डेटा को यूज़ करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे. उन सब डेटा को हैंडल कौन करेगा? आपका डेटा स्ट्रक्चर. सो डेटा स्ट्रक्चर इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड इन अ सॉफ्टवेयर जिससे आप डेटा मैनिपुलेशंस कर सकते हो. एंड द थर्ड थिंग इज़ डॉक्यूमेंट. डॉक्यूमेंट क्या है? उस पूरे सॉफ्टवेयर के बारे में सारी जानकारी, हमने कब क्या काम किया, किस तरह से किया, क्या टूल्स यूज़ किए, क्या रिक्वायरमेंट्स थी, सब चीज़ों को हम डॉक्यूमेंट करते हैं ताकि उसको हम फ्यूचर में फिर से रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकें. इसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर. तो ये तीन टर्म्स मिला के आपके सॉफ्टवेयर की बहुत ईजी डेफिनेशन फॉर्म होती है. नाउ ये सॉफ्टवेयर आपके हार्डवेयर से कैसे डिफरेंट है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में ये कुछ डिफरेंसेस हैं. आप इन डिफरेंसेस को बहुत क्लियरली समझ सकते हैं. हार्डवेयर इज़ ऑलवेज मैन्युफैक्चर्ड वाइल सॉफ्टवेयर इज़ ऑलवेज डेवलप्ड और इंजीनियर्ड. तो दोनों ही चीज़ें बनाई जाती हैं, बट टर्म्स का अंतर है. हार्डवेयर को हम मैन्युफैक्चर्ड कहते हैं, सॉफ्टवेयर को हम डेवलप्ड कहते हैं. सिमिलरली अगर आप हार्डवेयर बनने के बाद कोई मॉडिफिकेशन करना चाहेंगे तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, पर सॉफ्टवेयर बनाने के बाद अगर आप मॉडिफिकेशन करना चाहेंगे तो इट इज़ पॉसिबल. सॉफ्टवेयर में लॉजिकली चेंजेस किए जा सकते हैं, बट एक बने हुए हार्डवेयर में मॉडिफिकेशन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है. ठीक है, अगर हम कॉस्ट की बात करें तो किसी भी हार्डवेयर की कॉस्ट उसके प्रोडक्शन पर डिपेंड करती है, वेरियस किसी भी सॉफ्टवेयर की कॉस्ट उसके डिज़ाइन पर डिपेंड करती है. किस तरह से सॉफ्टवेयर डिज़ाइन हुआ है उस पर उसकी कॉस्ट डिपेंड करती है. ठीक है, नेक्स्ट, क्या हार्डवेयर समय के साथ ख़राब होता जाता है? यस, हार्डवेयर धीरे धीरे टूटता है, काम करना बंद करता है, वेयर आउट्स. ठीक है, हार्डवेयर वेयर आउट्स. पर क्या सॉफ्टवेयर भी समय के साथ ख़राब होने लगता है? तो आंसर इज़ यस, सॉफ्टवेयर ऑल्सो डिटोरिएट्स अलॉन्ग विद टाइम. ठीक है, पैसेज ऑफ टाइम सॉफ्टवेयर भी डिटोरिएट होता रहता है. बट ये जो डिटोरिएशन है ये हम सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ करते हैं, हार्डवेयर के लिए हम वेयर आउट यूज़ करते हैं टर्म. ठीक है, नाउ नेक्स्ट, हार्डवेयर इज़ ऑलवेज कॉम्पोनेंट बेस्ड. जब भी आप हार्डवेयर बनाएंगे तो हार्डवेयर के कॉम्पोनेंट्स बनाएंगे. ठीक है, जब भी हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो सॉफ्टवेयर इज़ कस्टम बिल्ड, हम जैसे बनाना चाहें हम सॉफ्टवेयर को उस तरह से बना सकते हैं. ठीक है, सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेज बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. राइट, नाउ ये तो हम सॉफ्टवेयर के बारे में समझते हैं. देर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स विद रिस्पेक्ट टू सॉफ्टवेयर ऑल्सो, सच एज कॉस्ट. अगर आपको सॉफ्टवेयर की कॉस्ट पता करनी है, आपको सॉफ्टवेयर बनाना है, तो आपको उसके लिए पहले से एक बजट डिसाइड करना पड़ता है. आपको पूरा काम करना है विद इन दैट बजट ओनली. ठीक है, देर इज़ द नेक्स्ट प्रॉब्लम विच इज़ मन शेड्यूल. सॉफ्टवेयर डिलीवरी हमेशा विद इन द टाइम होती है, एक डेडलाइंस को फॉलो करती है. तो आपको प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले शेड्यूल बनाना पड़ता है, एंड थ्रू आउट द टाइम आपको उस शेड्यूल को फॉलो करना पड़ता है. इस शेड्यूल को बनाना और मेंटेन करना इज़ अ टीडियस टास्क, इट इज़ अ प्रॉब्लम. राइट,
नेक्स्ट प्रॉब्लम इज या क्वालिटी. सॉफ्टवेयर बनाना इज नॉट अ बिग टास्क, क्वालिटी सॉफ्टवेयर बनाना इज अ बिग टास्क. तो प्रॉब्लम कहाँ है? क्वालिटी को मेंटेन करना थ्रू आउट द प्रोसीजर इज अ प्रॉब्लम. ठीक है. नेक्स्ट इज स्केल एंड चेंजेस, यानी अगर आप भविष्य में सॉफ्टवेयर को लार्जर स्केल में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं या कोई माइन्यूट चेंजेस करना चाहते हैं, क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, इस चीज़ को भी हमें एनकाउंटर करना पड़ता है, एंड दिस इज़ ऑल्सो अ बिग प्रॉब्लम. ठीक है. सो ये तो हमारी सॉफ्टवेयर की बात हुई. नाउ व्हाट इज़ इंजीनियरिंग? इंजीनियरिंग को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इंजीनियरिंग इज़ ऑल अबाउट डेवलपिंग प्रोडक्ट्स. ठीक है. बट सिर्फ प्रोडक्ट्स को डेवलप करना ये काफ़ी नहीं है, हमें उसको एक वेल डिफाइंड फॉर्मेट में प्रोड्यूस करना है. हमें साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, साइंटिफिक मेथड्स यूज़ करने हैं, स्ट्रक्चर्ड सिस्टम यूज़ करना है. अगर हम ये सब वेल डिफाइंड वेल फॉर्मेटेड स्ट्रक्चर्स यूज़ करते हैं टू डिलीवर अ प्रोडक्ट, टू डेवलप अ प्रोडक्ट, देन इट इज़ नोन एज इंजीनियरिंग. ठीक है. ये इंजीनियरिंग है और सॉफ्टवेयर हम समझ चुके हैं. तो अगर हमें अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डेफिनेशन बनानी हो तो हम क्या कह सकते हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विच विल हेल्प अस इन डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट यूजिंग वेल डिफाइंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, मेथड्स एंड प्रोसीजर्स. ठीक है. एक बात और यहाँ पे ध्यान देने की है, जब भी आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को फॉलो करेंगे तो आपका जो आउटकम होगा, जो भी आपका रिजल्ट होगा, वो क्या होगा? एक एफिशिएंट और रिलायबल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट. तो अगर आप कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो उससे आपको जो भी रिजल्ट मिलेगा वो एक सॉफ्टवेयर होगा. बट अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को फॉलो करके कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, देन आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो एक एफिशिएंट रिलायबल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मिलेगा. ठीक है. ये कैसे मिलेगा? हम कौन से टूल्स यूज़ करेंगे, हम किस तरह से मेथडोलॉजीज यूज़ करेंगे, कैसे मॉडल्स यूज़ करेंगे, इसको हम आगे आने वाले लेक्चर्स में समझेंगे. थैंक यू.